हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टडी चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द लेट 12th सेंचुरी इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स। देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट रूलर्स। तो जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसके बाद तुर्कीस के बाद आता है दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो है, इस समय में क्या था, इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, बहुत सारे स्टेट जो है डिवाइड हो चुका था। देयर आर, और वे सब जो है वो आपसी, बहुत जो रूलर्स थे वो आपस में ही लड़ने में परेशान थे, जैसा प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा। अंडर दिस करक्यूलमेंटेंस द रूलर ऑफ द स्मॉल स्टेट ऑफ गौर गयासुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गौरी। तो उस टाइम में जो था कि मोहम्मद गौरी की तरह गयासुद्दीन मोहम्मद जो थे वो भी ज़्यादा पॉपुलर थे। इन्वेड इंडिया एंड कंक्वेड पंजाब सिंध एंड फ्यू अदर स्टेट। इन 1191 CE ही वॉज चैलेंज्ड बाई पृथ्वीराज चौहान, द रूलर ऑफ डेली एंड अजमेर। तो उस टाइम में क्या है, जो मोहम्मद मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को ये चैलेंज करते हैं, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, जो दिल्ली और अजमेर के जो थे रूलर थे। हेल्पिंग बाई मेनी राजपूत रूलर्स ही डिफेटेड मोहम्मद गौरी, हुज समहाउ मैनेज द स्केप, बट विथ ग्रेटर प्रिपरेशन एंड द हेल्प ऑफ जयचंद, अराइवल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन 1192 CE। तो इस टाइम क्या होता है, जयचंद के हेल्प से मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। दो देयर वेयर मेनी रूलर्स विद पृथ्वीराज, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, द टर्क्स कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली। लेटर ऑन जयचंद वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ बैटल इन 1194 CE। इसके बाद क्या होता है, जयचंद भी मारा जाता है बैटल में, लड़ाई में मारा जाता है। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर विद अ लार्ज बॉडी, ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डिप्यूटी इन इंडिया। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी गौर में रिटर्न होते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उनके कोई बेटे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अपने जो स्लेव जो उनके थे उसे कुतुबुद्दीन ऐबक उसे वहाँ अपॉइंट कर देते हैं। और ये जो है, उसके बाद क्या होता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल चलता है। ऑन 15 March 1206 मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड बाई खोखर सोल्जर्स, द कमांड ऑफ इंडियन टेरिटरी कम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हु वॉज गौरीज स्लेव। ऐबक इस्टेब्लिश द स्लेब डायनेस्टी। तो उसके बाद क्या होता है, इसे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे इम्पेरर बना देता है, तो उसके बाद उसका राज चलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो स्लेब डायनेस्टी चलाता है, उसके बाद से अब इनका शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है स्लेव और मामूल डायनेस्टी, ठीक है। तो मामुलुक डायनेस्टी और ये जो है वो 1206 से आता है 90 CE तक। तो इसके फाउंडर कौन रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एज मोस्ट ऑफ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी विज वेयर स्लेव और चिल्ड्रन और स्लेव। ऐबक एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, ही डिफीटेड याल्दोज द रूलर ऑफ गजनी एंड फीड पंजाब फ्रॉम हिम। तो इसके बाद क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होता है। तो इसमें बहुत सारा जो रूलर थे वो जो थे स्लेव थे या उनके बच्चे थे, उसी से ये चलता आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, अच्छे मिलिट्री पावर के साथ एक अच्छा अपना स्टैब्लिश करते हैं, और वो है ही डिफीटेड यल्दोज, इसके द्वारा वो
यल्दोज जो थे आपका जो डेंसिटी थे उसको हराते हैं, और उसको हराने के बाद जो कि पंजाब जो कि रूलर थे, रूलर ऑफ गजनी, गजनी के रूलर थे, उनको हरा के और क्या करते हैं, पंजाब ये सबको अपने कैप्चर में ले लेते हैं एंड फ्रीज पंजाब फ्रॉम हिम, अपने से फ्री करते हैं। एबक वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो ग्रेट पेट्रॉन थे, मतलब उनको ज़्यादा प्रिय थे लिटरेचर आर्ट और आर्किटेक्चर में। ही बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुवैतुल इस्लाम मॉस्कली इन दिल्ली, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही ऑल्सो बिल्ट मॉस्क नोन एज 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, तो उन्होंने इस मकबरे को भी बनवाया था, इस मस्जिद को, जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। ही हैड लिटरेरी जेम्स लाइक हसन आजमी एंड मुबारक शाह इन हिज कोर्ट, उनके जो कोर्ट में थे, उनके दरबार में जो थे, ये दो रत्न थे, जो हजम आजमी और मुबारक शाह। ही डेड इन 1210 CE, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन आरम शाह, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द नोबल, देयर फॉर इल्तुतमिस द सन ऑफ लॉ ऑफ ऐबक एंड द सूबेदार ऑफ बदून वॉज इन्वाइटेड इन रूल, ही डिफेटेड आरम शाह एंड कम द सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उनका बेटा जो है वो आरम शाह, उसे दिया, वो आता है जैसा कि रूल है, उस जो राजा रहता है उसके पुत्र ही राजा बनता है। तो क्या होता है, लेकिन जो है नेवल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो रहते हैं, सन इन लॉ, दामाद जो है उलतुतमिस, वो आते हैं और वो क्या करते हैं, आरम शाह को हरा कर और वो खुद सुल्तान बन जाते हैं। उसके बाद आता है इल्तुतमिस, तो इनका शासनकाल क्या रहता है, 1210 to 36 CE। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल एट द टाइम ऑफ बिकमिंग सुल्तान, जब वो सुल्तान आते हैं तो दिल्ली को वो कैपिटल बना लेते हैं। ही वॉज कन्फ्रंटेड विथ मेनी प्रॉब्लम बट ही फेस्ड देम ब्रेवली, ही डिफीटेड हिज मेनी राइवल्स यल्दोज ऑफ गजनी एंड कुतुबचा ऑफ सिंध एंड द मुल्तान। तो बहुत सारे जब वो शासन में आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो लेकिन वो बहुत साहस के साथ उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, ही डिफीटेड हिज मेन राइवल्स, जो अपने जो शत्रु रहते हैं, यल्दोज गजनी और कुबेच जो सिंध के हैं और मुल्तान, इन सबको हराते हैं। इल्तुतमिस वॉज एबल एंड सेवर्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ही लिबरेट द टर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी एंड अदर फॉरेन पावर ऑफ कंसोलिडेट इट इफेक्टिवली। तो उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिस जब आते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सेवर्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पहले उसको तैयार करते हैं, और वो क्या करते हैं, ही लिबरेट द टर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी एंड अदर फॉरेन कंसिडरेट ऑफ इफेक्टिव, तो उसके थ्रू आके उस अपना जो है मिलिट्री को पावर को और बढ़ाते हैं। ही डेवलपमेंटली मेंटली सेव हिमसेल्फ एंड दिल्ली फ्रॉम हिज वर्थ ऑफ मंगोल कॉन्क्वेरर्स चंगेज खां बाय नॉट गिविंग शेल्टर टू शाह ऑफ ख्वारिज्म, हु वॉज बींग चेस्ड बाई चंगेज खां ऑन द प्रोटेक्ट द डेली क्लाइमेट वुड नॉट सूट हिम। तो उसके बाद है जो है इल्तुतमिस जो है वो क्या करता है कि दिल्ली में अपना जो है डेवलपमेंट के लिए सेव कर लेता है और अपना पावर जमाता है, लेकिन क्या होता है कि चंगेज खां वर्थ ऑफ मंगोल चंगेज कंक्वर्ड चंगेज खां जो है वो आता है और
सेटल्स वहाँ पे जो चाहता है कि उसे वहाँ पे रखा जाए, मतलब उसे सहारा दिया जाए, जैसे वो सेटल होना चाहता था यहाँ पर। लेकिन क्या है कि उसको यहाँ पे सेटल नहीं होने दिया जाता है, उसे ये बहाना किया जाता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसे सूट नहीं करेगा, तो आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से वो अपना दिल्ली को जो है प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इल्तुतमिश मेड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नवल नोन एज चलीहा। ही डिवाइडेड इंटू ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू मेनी लिक्विड्स ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर क्वाइन टाका एंड कॉपर क्वाइन जिताल। तो उसने जो है अपने पावर को बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म और स्ट्रेंथन उसको बढ़ाया, और दिल्ली सल्तनत पे अपना पूरा ये जो है उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाया। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप, उसने जो है एक ग्रुप बनाया जो टर्किस को टर्किस जो थे उसमें से 40 अच्छे जो थे उसको एक साथ करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था चलीहा। और वे जो थे जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रेंथ थे उसको बढ़ाते थे और उसको अच्छी करने के लिए उसके काम आए। और उसने जो है इल्तुतमिश उसने इंट्रोड्यूस किया है सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन का क्या नाम था तंका और कॉपर कॉइन का क्या है जीतल। तो ये दो नाम के जो कॉइन भी बनाए। इल्तुतमिश वॉज पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। मिनाहुज उल सिराज वॉज अ फेमस राइटर इन हिज कोर्ट। तो ये जो था लिटरेचर मैंने साहित्य और कला का प्रेमी था, तो इसने अपने कोर्ट में एक मिनाहज उल सिराज को फेमस रखा था जो कि इसके दरबार में एक अच्छे राइटर थे, लेखक थे। ही रोट अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश लिटरल पर्सनल लाइक रूहानी एंड उस्मानी ऑल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट। इल्तुतमिश वॉज अ स्ट्रेट सनी मुस्लिम। ही ट्रीटेड सहास एंड द हिंदूज वेरी बैडली। तो ये जो थे ये इल्तुतमिश जो है वॉज जैसा कि वो अपने जो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपने जो मुस्लिम जो प्रसाद जो भी थे उसे बढ़ावा देता था, लेकिन हिंदू का जो है वो बैडली उसके साथ बिहेवियर जो था बैडली था, उसका नहीं सम्मान करता था। ड्यू टू द इन्वेंस ऑफ एनी डिफिनेट रूलर्स ऑफ इन्हेंटेंस देयर वॉज ऑफन अ सुटेबल ऑफ चो चोज आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर्स। इल्तुतमिश हैड फेट इन कैप कैपेसिटी ऑफ हिज सन्स टू रूल, सो नोमिनेटेड हिज डॉटर रज़िया एज हिज सक्सेसर। ही वॉज एबल टू स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब जैसा कि सबके बेटे बनते चले आ रहे थे, तो इसके जो बेटे बेटे था वो उसको उसके ऊपर जो सही विश्वास नहीं था कि वो इसे अच्छी तरह से उसके साम्राज्य को संभाल सकेगा, तो उसने क्या किया कि अपनी बेटी को रज़िया जो थी उसे नॉमिनेट करता है। और क्योंकि उसे जो था रज़िया जो थी वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल थी वो, तो इसलिए वो उसे बनाना चाहते हैं। तो अब आता है रज़िया सुल्तान का, तो वो कब तक थी 1236 to 40 CE। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द नवल डिक्लेयर हिज एल्डर सन रुकनुद्दीन फिरोज द सुल्तान, बट ही वॉज मर्डर्ड ओनली 7 months लेटर। द रज़िया बिकेम सुल्तान। ओके, तो वो तो इल्तुतमिश जो चाहता ही था कि उसकी बेटी को नॉमिनेट किया जाए, लेकिन जो है नोबल के जो है डिक्लेयर करते हैं उसके जो बड़े बेटे रहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज़ उसे सुल्तान बनाया गया, लेकिन केवल 7 months के अंदर ही वो मारा जाता है और उसके बाद फिर रज़िया सुल्तान बनती है। तो रज़िया क्रश्ड हर ओपोनेंट, सी गेव हायर पोजिशन ऑफ नॉन टर्क्स नोबल, सी वॉज एनेबल मिलिट्री जनरल एंड वॉज कंसिडर्ड ऑन एक्सपेक्टेडली कैपेबल रूलर्स। सी
used a dress up like a man while going on military expedition, Razia could rule for the short period of 3.5 years only. She was killed in a battle in 1240 CE. तो यहाँ रज़िया सुल्तान का आप देख सकते हो पिक्चर. तो क्या थी कि ये जो थी, ये सुल्तान जब बनी इसके भाई के मृत्यु के बाद रुकुबुद्दीन से फिरोज़, उसके बाद रज़िया सुल्तान बनती है जो कि बहुत ही अपने अपोनेंट का को क्रश्ड कर देती है, माने सबको अपने जो विरोधी पार्टी रहती है उसी को बहुत अच्छा इस ये कर पाती है, क्रश तोड़ देती है विरोधी पार्टी को. और उसके बाद सी गेव हायर पोजिशन ऑन नॉन टर्क्स नोवेल, और जो है नॉन जो टर्क्स रहते हैं उसे ये हायर पोजीशन देती है. और सी वॉज एनेबल टू मिलिट्री जनरल एंड वॉज कंसिडर्ड एन एक्सपेंटली क्लेवर रूलर. तो ये जो है कैपेबल रूलर, ये जो है बहुत ही अच्छी शासिका रहती है और बहुत अच्छा शासन अपना करती है. ये इसका जो ड्रेसअप रहता है एक आदमी की तरह, मतलब एक लेडीज़ की तरह नहीं, जेंट्स की तरह ही ये अपना पूरा गेटअप में रहती है. उसके बाद ये केवल 3 एंड हाफ ईयर्स मानिए 3 साल ही ये बन पाती है. उसके बाद एक लड़ाई में ये मारी जाती है, 1240 में ये मारी जाती है. डू यू नो रज़िया वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर ड्यूरिंग द मिडविल पीरियड. तो मिडविल पीरियड में जो है रज़िया सुल्तान ये जो है पहली लेडी रहती है, मुस्लिम लेडी जो कि सुल्तान बनती है, मतलब रूलर बनती है. और फर्स्ट और लास्ट, इसके पहले भी कोई नहीं बनी थी, इसके बाद भी कोई नहीं बनी थी ना. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर रज़िया भरम शाह 1242 CE वॉज मेड सुल्तान बाई द नोवेल, ही वॉज किल्ड इन 1242 CE. आफ्टर दैट अलाउद्दीन मसूद शाह रूल्ड फ्रॉम 1242 CE to 1266 CE. तो उसके बाद कौन बनता है, भरम शाह जो है बनता है, जो कि 1242 में मारा जाता है. सिर्फ 2 साल ही रहता है, उसके बाद ये मारा जाता है. उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है जो कि 1242 से 1266 CE तक रहता है. नेक्स्ट आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 to 1266 CE. इन द ईयर ऑफ 1246 द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नसरुद्दीन मोहम्मद बिकेम सुल्तान एंड रूल्ड फॉर 20 ईयर्स. तो उसके बाद है इल्तुतमिश, जिसका जो बड़ा बेटा बनता है तो उसे मर जाता है, तो फिर बनती है रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान के बाद बनते हैं भरम शाह. उसके बाद कौन बनता है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह. उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश के जो बेटे रहते हैं, छोटा बेटा जो रहता है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद बनता है जो कि 20 ईयर्स तक शासन करता है. गयासुद्दीन बलबम वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द एक्चुअल रूलर्स. आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1266 CE बलबम कम द सुल्तान और नसीरुद्दीन मोहम्मद डिड नॉट हैव एनी सन. उसके बाद कौन आता है, ये नसीरुद्दीन शाह जो रहता है इसका कोई बेटा नहीं रहता है, तो इसके जगह पे इसका जो मेन प्राइम मिनिस्टर रहता है वो गयासुद्दीन बलबन जो है वो आता है शासन में, वो सुल्तान बनता है. तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1286 CE यानी 20 ईयर्स तक ये भी रहता है. बलबन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर. ही सुप्रेस्ड ऑल ऑपोजिशन एंड क्रिएट एटमोसफियर ऑफ एबेंसेंस एंड पेट्रोनिज्म टुवर्ड्स सुल्तान. बलबन इंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल इन कंसोलिडेट हिज पोजिशन. ही वॉज द सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस. ही डिड नॉट स्पेयर एंड रॉन्ग डोर वेदर अ कॉमन मैन एंड नोवेल. तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो आता है तो वो जो है स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर रहता है. वो भी बहुत अच्छे से अपना सारा एटमोसफेयर और पोजिशन वगैरह सारा कुछ बना के तैयार करता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो बलबन जो है वो अपने जो ग्रुप जो है
इल्तुतमिश ने जो 40 ग्रुप्स जो बनाए थे टर्कीज़ का, जिसका नाम था चलिहा, तो उसे वो ख़त्म करता है और वो जो है विश्वास करता है कंप्लीट जस्टिस माने सही न्याय में, पूरे जो सही न्याय के साथ जो होता है उसी में विश्वास करता है। ही डिड नॉट स्पेयर एंड रॉन्ग डोर वेलर एंड द कॉमन मैन और अ नॉवेल, तो वो सब नहीं करता है, वो सब कंप्लीट न्याय में ही विश्वास रखता है। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन, नोबडी कुड टॉक एंड लव विदाउट द परमिशन और लाइज फेस्ड पनिशमेंट। ही इनहेंस्ड द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान। ही सेफ गार्डेड हिज फोर्टेस बाय द कंट्री कंस्ट्रक्टिंग मेनी फोर्ट एंड पोस्टिंग द हिज बेस्ट गार्ड देयर। तो ये जो था वो उसके दरबार में बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन माने बहुत ही नियम था, कोई भी उसके दरबार में जो है वो बातचीत नहीं कर सकता था, ना उसकी मर्ज़ी के बिना फेस दिखा सकता था, हंस सकता था, बोल सकता था, ये सारे किसी को परमिशन नहीं था। और वो जो था अपना पावर, जो सुल्तान का पावर जो था, वो इन हैज़ द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ सुल्तान, अपना पूरा सुल्तान का जो है शासक का पूरा अपना फ़र्ज निभाता था, सारा कुछ एबल करता था। उसने बहुत सारे जो फोर्ट्स भी बनवाए और पोजिशन एंड बेस्ट गार्ड्स देयर, जो उसको सुरक्षा के लिए बहुत सारे गार्ड भी रखे थे अपनी फोर्ट की सुरक्षा के लिए। बलबन डेड इन 1286 आफ्टर हिज डेथ अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन प्रिवेंटेड फॉर सम टाइम्स इन 1290 सी जलालुद्दीन ओवरथ्रू द बिग एंड इनकैपेबल सक्सेसर ऑफ बलबन एंड कैप्चर द थ्रोन। तो उसके बाद जब बलबन जो था वो 1286 में मर जाता है, तो उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न होता है कि किसको शासक बनाया जाए। तो उसके बाद क्या होता है, जलालुद्दीन जो रहता है वो आता है वीक एंड इनकैपेबल सक्सेसर ऑफ बलबन एंड कैप्चर द थ्रोन, जो है वो कैप्चर करता है थ्रोन को, कौन करता है, जलालुद्दीन। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है जलालुद्दीन द खलजीज, इसका कब तक शासन है, 1292-1320। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो था आपका स्लेब जो था डेंसिटी था, तो उसके बाद होता है डेंसिटी ख़त्म होने के बाद अब आता है खिलजी, इनका शासन काल आता है। तो इसके पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1292-96 यानी 6 ईयर तक ये शासन किए थे। इन ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 बाई मर्डरिंग द फर्स्ट लास्ट टू सक्सेसर ऑफ बलबन ऑफ फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी। तो उसके बाद जो है ये 72 ईयर्स में ये शासनकाल में आते हैं और मर्डर किसके, मतलब बलबन के मृत्यु के बाद ये आते हैं और इन्होंने क्या है खलजी डायनेस्टी जो है वो तैयार किया इन 1290 CE। ही वॉज असिस्टेड बाई द हिज न्यूफ्यू अलाउद्दीन इन हिज मिलिट्री एक्सपॉन्डिंग। अलाउद्दीन वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, ही वॉन्टेड टू बिकम द सुल्तान। ही ट्रेस्टियसली मर्डर्ड हिज अंकल हु वॉज कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द रूल ऑफ देवगिरी। दस द कैप्चर द थ्रोन इन 1296 CE। तो ये जो था जलालुद्दीन जो था वो बलबन के मृत्यु के बाद ये आता है, उसके बाद जो है इसका नेफ्यू जो है भतीजा जो रहता है अलाउद्दीन खिलजी वो आता है इसके मर्डर करने के बाद, अपने जो चाचा की मृत्यु के बाद मारने के बाद, उसके बाद जो एक जो बैटल होती है उसमें मारने के बाद, वो पहले से ही चाहता था शासन बनना, तो उसने क्या किया इसके मर्डर के बाद वो शासन में आता है और उसने कैप्चर किया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका शासनकाल 1296-1316 तक। ही वॉज ब्रेव जनरल एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अलेक्जेंडर। ही वॉन्टेड टू कंक्वर द होल वर्ल्ड। ही कैप्चर गुजरात रणथंबोर चित्तौर मालवा मरवार एक्सेट्रा इन द नॉर्थ ऑफ देवगिरी वारंगल मदुराई एंड द नंबर ऑफ स्टेट इन साउथ। तो ये जो है वो शासनकाल में जनरल स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जैसा कि अलेक्जेंडर था। तो उसके बाद ये जो है गुजरात रणथंबोर चित्तौर मालवा मरवार ये सारे को कैप्चर करता है
और उसके बाद स्टेट साउथ की जो जितने सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट को भी ये कम कैप्चर करता है। टू सेफ गार्ड ही सुल्तनत फ्रॉम द इन्वेंशन ही हैड अ वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विपाइड आर्मी। ही केप फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स हुलाज एंड द डैग टू अवॉइड एनी सब्स्टिट्यूशन। सोल्जर्स वेयर पेड इन कैश एंड दे वेयर गेव मेनी मनी फॉर अदर फैसिलिटीज़। जो है ये जो है बहुत अच्छा शासक था, तो इसने क्या किया कि सेफ गार्ड तैयार किया, और उसका भी क्या करता था कि ही हैड वेल ट्रेंड एंड वेल ऑक्यूपाइड आर्मी इसके पास था, और ये जो है उन सब सोल्जर इसके पास जितने भी सोल्जर्स थे उन सारे का पूरा रिकॉर्ड रखता था, ताकि इसमें कोई भी बाहरी नहीं आए या फिर कुछ भी जैसे इसके रूल शासन में कोई भी बाहरी जो है जैसे बदल के दूसरा आ सकता है, तो वो सारे की इंक्वायरी रखता था कि कौन कितना है, कितने सारे हैं, सबका रिकॉर्ड ये तैयार रखता था। अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ टू नोवेल और अ पीपल आर्म्स मनी, सो ही टैक्स्ड देम हैवली इन बैंडेड द सेल ऑफ कंजप्शन एंड ऑफ वाइन। ही ऑर्गेनाइज अ इफेक्टिव एंड द इफिशियंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डिड नॉट टॉलरेट द इंटरफेस ऑन रिलीजियस लीडर्स लाइक उलेमास एंड मुलास इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या था कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन नवल और द नवल आसम मनी, जो इसके जो था टैक्स के रूप में पे करना था, जैसे कि जिसके पास, और इसने क्या बैन लगा दिया था कंजप्शन ऑफ वाइन, ये सब पे उसने बैन लगा दिया था, और ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव एंड द इफिशियंट सिस्टम कंट्रोल वॉलेट सिस्टम रिवॉल्ट सिस्टम। जो है जिसको जितना टैक्स देना है कर करना है वो पे करना पड़ता था, और इसके इसमें जो भी था जिसे जिस हिसाब से अपना पैसा था उसके हिसाब से उसे टैक्स पे करना था, चाहे जिसके पास जितने ज़मीन है उसके अनुसार जो कर देना पड़ता था वो सारा ये सिस्टमेटिक तरीके से था। जिसके पास ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा देना पड़ता था, कम था तो कम देना पड़ता था। इस तरह से सारा कुछ इसने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया था, और ये पहला ऐसा रूलर था, मुस्लिम शासक था, जिसने किसी जो है धर्म के ऊपर नहीं किया था, इसने सभी धर्म को एक समान माना था। अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ही फिक्स्ड अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज़। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस गेन स्टोरेज एंड रेशियोसिंग सिस्टम। देर वॉज अ डिफरेंट मार्केट प्लेस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी। सर्व पनिशमेंट वॉज गिव द दोज हु लेस एंड चीट्स बाई बायर इन एनी वे। तो ये जो था एक जो इसका इकोनॉमिक आर्थिक जो था वो तरीका भी बहुत अच्छा था। इसने सबका जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस सभी चीज़ों का डेली यूज़ का जो भी चीज़ था उसे फिक्स कर दिया था, जिसके कारण कोई भी ज़्यादा दाम में अब सामान को नहीं दे बेच सकता था। तो ये सारा सिस्टम इसने तैयार किया था, और मार्केट जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट भी तैयार किया था। और इसमें जो था जो किसी के साथ लेस मानी जो किसी को गलत दाम में दे या फिर जो भी किसी के साथ चीटिंग करे उसके लिए ये पनिशमेंट भी देता था। मार्केट मार्केट कंट्रोल वेयर अपोनेंट्स अपॉइंटेंट एंड स्ट्रिक्स सुपरविजन ओवर द ट्रेड। इसने मार्केट को सारा कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया था सुपरविजन के लिए, ताकि कोई भी चीज़ हो तो इसे पता चल सके। द स्टेट ही ऑल्सो रिफॉर्म द रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू वॉज फिक्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड लैंड होल्डिंग। द स्टेट ऑफ शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्स दैन द मुस्लिम। तो इसने जो है लैंड जो था रिवेन्यू सिस्टम उसे तैयार किया था, जिसमें जिसके पास साइज़ के अकॉर्डिंग ज़मीन के अनुसार उसे पे करना पड़ता था। स्टेट शेयर वेयर फिक्स्ड 50% टोटल प्रोडक्शन का उसे 50% पे करना पड़ता था। और लाइफ जो था इसके रूल में जो हिंदू का जो है मिजरेबल था, क्योंकि उसे जो है मुस्लिम से ज़्यादा कुछ भी टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था। तो यहाँ तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट होता है, आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.